अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फातिमा और आज मैं लेकर आई हूँ एक और न्यू रेसिपी जिसका नाम है क्रीम फ्रूट। तो ठीक है, अब हम क्रीम फ्रूट की रेसिपी में देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ये मैंने लिए रेड जेली और ये ग्रीन जेली। ये मैंने ग्रीन वाली बनाना फ्लेवर की ली और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की। इसको मैंने पानी और घास में अच्छे से बना ली थी तो ये अच्छी जम गई। ये मैंने ली है शुगर, पाउडर्ड शुगर है, ये मैंने 1 कप ली है। ये फ्रूट कॉकटेल है, इसको मैंने पूरा लिया है। आप चाहे तो आप फ्रेश फ्रूट्स भी ले सकते हैं, बॉइल्ड फ्रूट्स भी ले सकते हैं। और मैंने थोड़े से एप्पल भी लिए हैं। ये क्रीम है, 1 लीटर का क्रीम लिया है मैंने, चिल्ड है ये, अमूल फ्रेश क्रीम लिया है। और ये है जो मैंने आपको बताया फ्रूट कॉकटेल, ये उसको मैंने लिया है। तो ठीक है, अब मैं इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने क्रीम लिया, उसमें शुगर ऐड करती हूँ। आप शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से ले, अगर आपको जितना स्वीट पसंद है, मैं भी इसमें टेस्ट करके ऐड करूंगी जितना मुझे चाहिए। अब मैं इसे इस शुगर को विस्कर से अच्छे से थोड़ी देर बीट कर लेती हूँ। मैं इसमें थोड़ी सी शुगर और ऐड कर रही हूँ। अब सबसे पहले जो मैंने जेली बनाई थी स्ट्रॉबेरी और बनाना फ्लेवर की, वो इसमें ऐड करती हूँ। मैंने इसमें सारी जेलीज ऐड कर दी है। अब मैं इसमें एप्पल्स ऐड कर रही हूं। और वो जो फ्रूट कॉकटेल था उसका टिन भी मैंने पूरा फ्रूट्स उसके ऐड कर दिए उस टिन के। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ सारे फ्रूट्स को। लीजिए, हमारा फ्रूट क्रीम अब रेडी हो चुका है। देखिए, ये इजी सिंपल डेजर्ट की रेसिपी, आप कोई भी आपके घर गेस्ट आए तो आप उन्हें ये सर्व कर सकते हैं, उन्हें भी ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो मुझे लाइक दे, मेरी चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं मेरी अगली रेसिपी में, टिल देन अल्लाह हाफिज। रुकिए, मैं अभी से थोड़ा सा आपको टेस्ट कर बताती हूँ। बहुत ही यम बना है। ट्राई दिस। ओके, अल्लाह हाफिज़।